हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। और अभी मैं आज है ना मूंग भिगो के रखे थे रात में, तो इनकी अच्छी बढ़िया सी ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रही हूँ। चलो तो उनके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने नाइट में भिगो के रख दिए थे, अच्छे से 3-4 बार वॉश किए पहले, बाद में भिगो के छोड़ दिए थे ढक के, और सुबह में इनको देखा है तो सुबह में इनमें जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो निकाल दिया, और फिर से 1-2 बार वॉश कर लिया है इनको। इस रेसिपी के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, तो मसाले में जो ही वो रोज़ बेसिक मसाला डालते हैं वही रहता है, और दही में इसका मसाला मिक्स करके ग्रेवी बनाएंगे, और साथ में थोड़ा गरम मसाला वो तो लास्ट में डालेंगे। तो ये मैंने अच्छे से धुल ली है इनको 2-3 बार फिर से, क्योंकि नाइट में भिगो के रखते हैं ना तो इसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल सी आने रहती है, तो एक्स्ट्रा पानी निकाल के इनको धो दिया था। और अभी इसमें बेसिक मसाला डाल के रखा था ना, इसमें मैं दही डाल के मिक्स करके छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो ये रेसिपी है ना सबको पसंद आई, बहुत ही टेस्टी बनी है। जब कोई सब्जी ना हो घर में तो ये नाइट में भिगो के रख दो और सुबह में मसाला डाल के छूक तड़का लगा दो, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बन के तैयार होती है इनकी, और हेल्दी भी रहती है, टेस्टी भी बनती है, सब कुछ रह। तो ये मैंने मसाला मिक्स कर लेती हूँ दही को, तो इनको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इतने में मैं प्याज और आलू कट कर लूँगी, 1 आलू भी मिक्स करूँगी इसमें, ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ 1 ही आलू करना है, और 1 प्याज कट करूँगी। तो ये थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी, तो ये मसाला अच्छे से फूल जाएगा और मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाला प्रिपेयर कर दिया है, इसको ढक के थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ दूँगी, और अभी मैं 1 प्याज और आलू कट कर लेती हूँ इतने में। तो मैंने गैस पे पैन रख दिया है और अभी तड़का लगा लेंगे इसको। तो इसमें डालूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल, तो मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच डाल दिए ऑयल के, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अभी इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और जीरा ब्राउन होने के बाद डालेंगे हम प्याज। तो प्याज डाल दिया, इसको थोड़ा ब्राउन कर लेंगे हम, बाद में इसमें जाएगा जो बेसिक मसाला तैयार करके रखा था ना वो डाल देंगे, थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं इसको, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, थोड़ा थोड़ा करना है, इसका कलर चेंज ज़रा मामूली कलर चेंज हो जाए। तो अभी इसमें डाल देंगे हम बस जो मसाला मिक्स करके रखा था ना वही, और इसमें हमने दही मिलाया था इसलिए इसको लगातार चलाते रहना होगा, 1-2 मिनट के लिए इसको लगातार चलाना है, नहीं तो छोड़ देंगे ना तो ये दही फटने का चांस रहता है, तो इसलिए लगातार चलाते रहना होगा। तो हमारा मसाला भी साथ साथ पक जाएगा और दही भी पक जाएगा, इसका जब मसाला पक जाता है ना तो अपने आप पता चल जाता है कि ये तेल रिलीज करने लग जाता है, तेल बाहर छोड़ देता है मसाला और अलग ही तैरने लग जाता है ऑयल। तो मसाले को अच्छे से भूनना होता है, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, क्योंकि मसाला अच्छे से भुना जाएगा तो ही सब्जी और कोई भी रेसिपी हो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो कम से कम इसको भूनते हुए सेकते हुए मुझे 2 मिनट के करीब तो हो गया, 2 मिनट तक मैंने फ्लेम मीडियम रखी है, हाई नहीं रखा।
तो देख सकते हो हमारा मसाला ऑयल रिलीज कर दिया इसने, और ये अच्छे से भुन गया है, पक गया मसाला, दही भी पक गया। और इसमें डाल दिए मैंने जो मूंग भिगो के वॉश करके रखे थे वो डाल। और अभी इसमें साथ में वो जो एक आलू कट करके रखा था ना वो भी डाल दिया है मैंने। और इसको चला लेंगे थोड़ा सा, और एक गिलास के जितना पानी डाल दूंगी इसमें, ग्रेवी हो जाएगी इससे। ये जो मसाला मिक्स करके रखा था ना उस कटोरी को मैंने धो के इसमें इसी में डाल दिया, क्योंकि मसाला चिपका हुआ रह जाता है ना, तो वो भी डाल दिया मैंने इसको पानी डाल के। और एक गिलास पानी और डाल दिया मैंने, और ऊपर से नमक डाल के इसको थोड़ी देर के बाद पका लेंगे। और जब ये थोड़ा पक जाएगा ना तो इसके बाद में इसमें सब डालेंगे गरम मसाला और अमचूर पाउडर, तो इसको ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए सा। तो देख सकते हो आधी सी पक गई है ये सब्जी, पूरी तो नहीं पकी है, आधी पक गई है। तो अभी इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, और साथ ही साथ मैं ना रोटियां भी सेक लूंगी। अभी आटा मैंने पहले से लगा के रख दिया था, तो एक चूल्हे पे मैंने सब्जी रखी है और दूसरे पे मैं रोटियां सेक ले रही हूँ साथ ही साथ, तो सारा काम निपट जाएगा। तो मैंने रोटियां भी सेक लिए और सब्जी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। आ जाओ आप सब भी, और मैं खाना लगा रही हूँ अभी लंच। तो सब्जी दही और रोटी बस यही रहेगा हमारा लंच में। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।